हाय, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम टू सुधाकर सिंह एजुकेशन हब। आप सबका आपके अपने चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने कल आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताया था, आज भी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने आपको स्वर के बारे में बताया था, आज हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम पूरी तरह से आपको आज यहाँ पे जानकारी दी जाएगी और आपको समझाया जाएगा। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं, या यूं कह सकते हैं जिन वर्णों को हम स्वर की सहायता लिए बिना नहीं बोल सकते हैं वह व्यंजन होता है। व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हमारा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ये हमारे व्यंजन हो गए। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये हमारे तीन प्रकार के व्यंजन हो गए। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हम आगे देखेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वह है जिन वर्णों को बोलने के लिए हमारे जीवा को, हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करना पड़े, या जब छूता है तभी हम वो शब्द वो वर्ण बोल पाते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसको बोले कि यूं मान ले, जिसको बोलने के लिए हमारा जीवा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारे यहाँ पर देखेंगे हम अपना स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल हो गए हमारे 25। ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। कुल हमारे कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला हो गया हमारा कवर हो गया, और दूसरा हो गया चवर्ग, और उसके बाद हो गया टावर्ग, फिर उसके बाद हो जाएगा तावर्ग, और उसके बाद हो जाएगा पावर्ग। हो गया हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पावर्ग। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। इसमें कौन कौन से होते हैं? का वर्ग में क्या क्या होता है? का, खा, गा, घा, इंग्या, खाली। उसके बाद चावर्ग, चावर्ग में क्या क्या आएगा? चा, छा, जा, झा और हुआ, खाली। उसके बाद हमारा हो जाएगा टावर। क्या हो जाएगा? टावर। टावर में क्या क्या आता है? टा, था, डा, ढा और बड़ा खाली। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा तावर।
तावर में क्या क्या आएगा, ता था दा धा, ये आएगा ता था दा धा और ना। फिर उसके बाद आएगा पवन, क्या आएगा पवन, पवन में क्या क्या होता है, पा हा बा भा और मा, क्या हो गया मा। ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, कितने हैं कुल 25 हैं। का खा गा खा इंडिया, ये 5 इसमें हो गए। चा छा जा झा हुआ खाली, 5 इसमें हो गए। ता ठा डा ढा ढा खाली, 5 इसमें हो गए। ता था दा धा ना, इसमें हो गए 5। पा फा बा भा मा, इसमें हो गए 5। सबको मिलाकर 25 हो गए। कवक में हमारा क्या आएगा, कंठ। क्या बोलते हैं इसको, कवक को कंठ से बोलते हैं, जिसे हमें का बोलने के लिए कंठ से आवाज निकलती है। जिसे हम बोलेंगे तो हमारे अंदर से आवाज जब निकलेगी तभी हम उसको बोल पाएंगे। हमारे कंठ से आवाज निकलेगी तब हम बोल पाएंगे। जैसे हमें बोलना है का खा गा घा, तब हमारे आवाज से आवाज आ रही है बाहर, अंदर से आवाज आ रही है तभी हम उसको बोल पा रहे हैं। हमारा ये हो गया चवर, और ये हमारा हो गया चवर। चवर को हम कैसे बोलेंगे, तालब। क्या बोला जाता है चवर को, तालब। या यूं कहूं कि तालु। जैसे हमें चा बोलना है तो हम अपने, जब हमारा जीभ हमारे मुख के तालु को स्पर्श करता है तब हम बोल पाते हैं। जैसे चा को बोलना है, जीभ हमारी कहां छूएगी जाके, तालु को। चा छा जा झा, तालु को स्पर्श कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा हो जाएगा टवग। टवग को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन। क्या बोलते हैं, मूर्धन। मूर्धन जैसे हमें इसको बोलने के लिए, ता बोलने के लिए जब हमारा जीभ ऊपर जाके तालु से फिर से झट से नीचे को आए तब हम टवग होता है। जैसे बोले टा ठा डा, ऐसे बोलने के लिए जीभ ऊपर जाए झट से मुड़ के नीचे आ जाए तब वह मूर्धन्य होता है। और तवक में क्या होता है, इसको हम दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंत। दंत में हमारा इसको बोलने के लिए जब हमारा जीभ हमारे दांत को स्पर्श करता है, जैसे ता बोलेंगे हम, जब ता बोलेंगे तो हमारा जीभ जाके दांत को स्पर्श करता है तभी ता बोल पाते हैं। अगर नहीं स्पर्श करेगा तो हम ता नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद होगा पवर। पवर, पवर को हम क्या कहेंगे, होश। क्या बोलेंगे, होश। जब हमारा, जब हमारे दोनों होंठ इसको बोलने के लिए या हमारा बोलने के लिए हमारे होश दोनों आपस में जब मिलते हैं और खुल जाते हैं तब हम उसको बोल पाते हैं। जैसे पा भा बा भा, इसको बोलने के लिए हमारे होंठ दोनों आपस में मिलते हैं तब हम पा बोल पाते हैं, नहीं तो हम नहीं बोल पाते हैं। ये हमारे हो गए 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, जिसको आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया है। अब आगे हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन में, हम देखेंगे कि इसका पांचवा वर्ण कैसे बोलेंगे हम, नाक से बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया इंग्या। क्या बोले, इंग्या। हमारे जब नाक से बोल रहे ना, साफ सुनाई पड़ रहा, नाक से बोल रहे। फिर उसके बाद वहां खाली, वहां खाली हो गया नाक से। और उसके बाद हो गया रा ना मा, हमने ये सब नाक से बोला। ये हमारे वर्ग के पांचों अक्षर नाक से बोले जाते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्पर्श व्यंजन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।